के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। आज हिमांशु देखिए करोड़ों का व्यापार कर दिया, एक छोटा सा मास्क लगा दिया चौका अंतिम गेंद के ऊपर। इसलिए हीरो कोई भी बन सकता है, इसलिए तो मैं क्रिकेट में कहता हूँ फटा पोस्टर निकला हीरो, 11 नंबर का खिलाड़ी है। आजकल कब्र स्थान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए, 10वां 11 नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। और यहाँ देखिए हिमांशु ने वो करके दिखाए। तो चलेंगे इस मैच की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मैच है। कहते हैं ना, शराब जितनी होगी पुरानी नशा उतना होगा ज्यादा, और मैदान पर जब होंगे बब्बर सर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा। एक तरफ बिकी हुई की गेंदबाजी, दूसरी तरफ महजिद की बल्लेबाजी। पिछली टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे, विज द टीम है, वनकड़े अवेलेबल सर, वनकड़े टीम है, स्विगी स्मृति चेसक की बात करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे उसी टूर्नामेंट में धारावाहिक टीम का पहली मैच में दिल टूटा था, लेकिन कहते हैं ना घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। तो देखते हैं कितनी भयानक होकर आए हैं स्वप्निल दादा मात्रे धारावाहिक आ जाए तो निश्चित रूप से आए तो उनसे गुजारिश करता हूँ। आइए तशरीफ रखिए, अगर मैच देख रहे तो घर पर फिर उनका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ टीम का विकास बहुत बढ़िया स्वप्निल दादा रहा, हमारे भी बहुत बढ़िया ध्यान रखे थे। दो साल पीछे जाइए धारावाहिक के मैदान पर रहा, मैं जब आया था तभी मेरी तबीयत ही खराब था, डॉक्टर तक लेकर पहुंचाए थे उन्होंने, निश्चित रूप से भूलना नहीं चाहूंगा उसकी जो लम्हा को। उसके बाद देखे इस साल के सीजन के सिलसिला इस बार हुक किया, यही बात कहा था माजिद, बता दिया भाई तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हो गया। शुरुआत चौके के साथ पैसे भेट ले माला। का था यहाँ पर हवा, पूरे खिलाड़ी मिले जाके उनसे, एक द्वार नहीं मिला दे और पूरे खिलाड़ी मिल गए। अरे चलिए भाई बात करेंगे, यहाँ पर भी जंग छिड़ चुके हैं, यहाँ पर माजी देखे बता दिए, दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से तो उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं भाई। वो दादा हुए भी मैदान में उतरे थे, निश्चित रूप से बहुत प्रेशर था उस समय। अरे एक चौके की तलाश हो रहा था वहां पर, गेंदबाज क्या आ गया। ओ इस बार देखिए बाउंसर से हमला, लेकिन डिक्लेयर जोन में रन, डेंस ट्रेनिंग के पसंदीदा गेंदबाज हैं अंतरराष्ट्रीय में बात करेंगे तो। देखिए वीर खुद अपने जुबान से जब इंटरव्यू लिया था मैं ओलब के नाइट में, उनके पसंदीदा क्रिकेटर डेंस ट्रेन है, अगर डेट में कोई हीरो को लेकर जाना चाहते हैं तो वो है आलिया भट्ट, उनके पसंदीदा आलिया भट्ट हीरो होंगे निश्चित रूप से। भाई भी देखिए गेंदबाज भी उस तरह की एमपीएल से लेकर एनपीएल चमकते हुए, लेकिन माजिद की बल्लेबाजी ये बात करेंगे ना, माजिद भी एक जख्मी शेर है भाई, कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 मचाता है। क्या शोर शराबा हुआ था पिछला मैच में, देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, फाइनल मुकाबला था। जिस तरह से मैं कभी भी कहता हूँ पहली मैच को फाइनल सोचिए, फाइनल में तो पहुंचने के बाद ट्रॉफी लागू हो जाता है आपको यहाँ पर। तो चलिए जीते से बात करेंगे, पर डॉट गेम खेलते हुए 5 ओवर का मैच रहेगा, समय की बात करेंगे, समय काफी तेज भागता हुआ। अभी भी इस मैच के बाद बात करेंगे ना, लगभग 2 मैच खेला जाएगा मुझे लगता है, आगे का जाकर फिर दोनों मैच है। 4 ओवर का क्या खेला जाएगा, ओहो माही मार रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ाया और देखते हैं एफर्ट तो कमाल के दिखाए, लेकिन कितनी अंदर कितनी दूर, गेंद को शायद रोका गया वहां से, देखिए बता रहे हैं दर्शक के गेंद को रोका गया, देखते हैं थोड़ा सा अंपायर रुका हो गया। चलिए दर्शक तो वहां पर वो कंफर्म बता रहे हैं भाई, नहीं
लेकिन फिर भी हमें देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइव का थोड़ा सा सहारा लिया जा रहा है, अगर कुछ इसमें आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन जो दर्शकों की यहाँ पर आत्मविश्वास बता रही है, चलिए यहाँ पर भी देखिए दूध का दूध पानी का पानी, टेनिस क्रिकेट ने भी बता दिया कि यहाँ पर छक्के बचाए, बढ़िया देखिए हमारे दर्शकों ने वहाँ पर साथ दिया। टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइव किया जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कभी कभी मेरा तो मन होता है कोविड का चेक करने इनके पास चले, यही निकाल देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। आज की टीम देखिए बात करेंगे, मनोज जी राकेश जी बहुत बढ़िया, देखिए कल गौरव सावंत सर और पूरी इनकी टीम वहां पर उपस्थित है। फिर से कल वापस हम जुड़ेंगे नेरल प्रीमियर लीग में, खास करके इस टूर्नामेंट के लिए आज का दिन है, वक्त दिए शायद ओपरी के मैदान के पर मैच वहां पर योगेश दादा शायद यतीन जी के खास दोस्त उस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सके। और ये चलिए भाई क्या मौका बन सकता था, क्योंकि बात करेंगे जो आपको लक्ष्मण रेखा दिया गया है उससे गेंद दूर जाता है तो फिर रन भाग कर, लेकिन गेंद देखिए वहां पर डिक्लेयर शॉट देखिए अंदर रहता तो फिर रन भाग कर ले सकते थे। अभी तक देखिए बात करेंगे धारावा टीम को कोई सफलता नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं कब विकेट मिलेगा, जिस तरह के कहते हैं ना मेरी सपनों की रानी कब, भाई रानी नहीं भाई यहाँ पर विकेट चाहते हैं, सपना देखे हैं यहाँ पर विकेट लेने की, लेकिन अभी तक वो सपना नहीं पूरा हो रहा है। और क्योंकि बात करेंगे यहाँ पर धीरज भोईर, देखिए क्या बात करेंगे, दो साल पीछे जाइए इनका पिछला साल क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा, सीरीज की बाइक चटका है, अपील तेज था यहाँ पर देखिए, अच्छा वो हम भी थोड़े शांत थे नहीं तो और भी शोर शराबा हो सकता था। देखते हैं कि आवाज पहुंचा यहाँ पर स्क्वायर लेग के अंपायर तक, और मेन अंपायर बताएंगे कितना बल्ले से करीब था कितना दूर था। क्या वह कभी कभी गाड़ी का भी साउंड रहता है विकेट कीपर के पीछे, देखिए गाड़ी भी निकलता है निश्चित रूप से अंपायर के लिए, भाई वो भी इंसान है भगवान नहीं है, लेकिन जो भी डिसीजन होगा। तो चलिए अलग अलग डिसीजन नट आउट है शायद, बिल्कुल बल्लेबाज भी मुस्कुराते हुए गेंदबाज तैयार, ओहो उसके बाद देखिए बड़ा हिट जैसे बंदूक से निकलती है गोली, इसका 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 इस गेम के ऊपर, जैसे कहती है ना पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत लीजिए, और लेकिन कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा सबसे पहले, और इस बार देखिए मगरमच्छ बाहर से निकले, इसलिए देखिए हम जब शांत रहते हैं ना वो आवाज अंपायर तक नहीं यहां तक पहुंच रही है। पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाध चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता, हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ देखिए 5 ओवर का मैच है इसलिए हमारे ग्रामीण के बल्लेबाज थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए हिटमैन बनने के लिए आपको लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। आज वेस्ट इंडीज के साथ शायद सेकंड दूसरा T20 मुकाबला, तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए रुका है 14 क्या बल्लेबाज के लिए बड़ा सौदा, यहाँ से जीतने वाली टीम है सेकंड राउंड का दूसरा मैच है।
ফাকল না ফাকল সারা আনে আরে সম্বড়ে কে কোন রিটার্ন দিল बढ़िया देखिए चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 18 रन है। उमेश सर इसलिए तो मैं कहता हूं अगर जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। जो हिमांशु का शॉट सिलेक्शन था देखिए ग्राउंड द शॉट अगर वो गेंद हवा में खेलते तो मौका बन सकता था कैच का फिर से बढ़िया शॉट सिलेक्शन। इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। लेकिन हमारे आजकल के नौजवान चार चार जगह चैटिंग करते हैं रात में और कहते हैं जानो मेरी टाइपिंग स्लो है। शॉट सिलेक्शन सोचिए गलती कहाँ हुई आप क्या खेलना चाहिए था आपको यहाँ पर आउटस्विंग गेंद को इनस्विंग गेंद को कटर गेंद को नकल गेंद को ब्लॉकल के गेंद को बाउंसर गेंद को ये दिमाग में डालनी चाहिए। ये चलिए इतना बड़ा बाउंसर यहाँ पर वाइट का इजाफा कहते हैं ना सिगरेट पिए तो कैंसर 1+1 और उसके साथ देखिए 1 बाउंस का वार्निंग यानी कहते हैं ना सिगरेट पिए तो कैंसर शराब पिए तो डांसर और गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। विकी भोईर गेंद कहाँ फेंक रहे थे बहुत गति है बहुत ताकत है इनके पास। ये देखिए कितना जोर आवाज दे रहे हैं और डिक्लेयर जोन में रन जा रहे हैं वैकी परेशान रहेंगे यहाँ से खास करके मैं कहूँगा यहाँ पर माजिद के लिए यहाँ पर तेज रफ्तार से इस्तेमाल कर रहे हैं माजिद को मौका नहीं दे रहे हैं चाहते हैं एक रन निकल जाए लेकिन चौका या छक्का ना निकले। अच्छा सोच है मेरे हिसाब से भी सिंगल खाने को तैयार है लेकिन चौके छक्के खाने को तैयार नहीं है 21 रन लेकिन कहते हैं ना ठहरा हुआ दरिया भी काफी गहरा हुआ करता है कहते हैं ना सांप छोटा या वो बड़ा लेकिन डसने का अंदाज तो वही रहता है। और ये चलिए माजिद का यहाँ पर बड़ा विकेट मौका है यहाँ पर विकी भोईर आखिरकार यहाँ पर सफलता मिलता हुआ इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया और माजिद के आउट होने के बाद है सारा का सारा उम्मीद जल गया उम्मीद जल गया उम्मीद जल गया उम्मीद जल गया। माजिद के आउट होने के बाद लेकिन विकी भोईर ने बता दिया भाई उजाला मिल जाए तारावे टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा घर भी जला दूंगा घर भी जला दूंगा। जो हिमांशु ने घर में आग लगाई थी अपने टीम को जीत दिलाने के लिए हिमांशु ने देखिए यहाँ पर आखिरी समय में बताए थे कि उजाला मिल जाए भाई जो गांव 11 टीम को मैं भी अपना घर जला दूंगा घर जला दूंगा। तो चलिए यही तो क्रिकेट का दस्तूर है भाई माजिद का विकेट गिरा है लेकिन मौका है कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है नहीं तो फप डस मारता है। और हर टीम में सांप तो रहते हैं एक एक अजगर रहते हैं वो डसते नहीं है निकलते हैं तो वो माजिद था भाई उसे निकाला। और उसके बाद देखे कहते हैं ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता उसे सफलता मिलने के बाद और यहाँ से देखिए विकी भोईर के क्या गेंदबाजी अगर आलिया भट्ट ये मैच देख रही होगी तो फिर क्लीन बोल्ड बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे विकी भोईर लगातार देखिए यहाँ पर विकेट का सिलसिला। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से
दो विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक के लिए मौका है। मैंने बात बताया कि विकी बोल के पसंदीदा हीरो ने आलिया भट्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगर नजर अच्छी रखो तो हर कोई सुंदर दिखेगा। कहते ना बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो ना वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। नजर अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसी तरह से बोनकरी टीम की नजर अच्छी होना चाहिए गेंद के ऊपर। फिर ये जो विकी वर का गेंद है ना, आज तो शायद वो दिख सकता है मुझे ही संभले होती लगे थोड़ा सा जूम है, क्लियरिटी और क्वालिटी अगर ये सेकंड बाउंसर रहेगा तो फिर नहीं शायद वाइड है। स्क्वायर लेग के अंपायर क्या बात करना चाहते हैं वो बता रहे हैं कि गेंद उनके पाले में था, नहीं बाउंसर नहीं बता रहे हैं अंपायर, बता रहे हैं स्क्वायर लेग के वाइड का इजाफा। दो रन वन प्लस वन देखें, तो चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। स्क्वायर लेग के अंपायर बताए कि ये तीखा बाउंसर था जो सीने में छलनी करके गया। बढ़िया बढ़िया जज अंपायर की भी तारीफ करना चाहूंगा, इतना आसान नहीं रहता है, करीब से लगता है हमें, दूर से लगता है कि बाउंसर, लेकिन करीब से देखो तो ये गेंद दिखा, मेरे हिसाब से भी वही दिख रहा था, बहुत है सीने के करीब से लेकर गेंद निकला। और वन प्लस वन देखे रन तो आया यहाँ पर, पहला वार्निंग मिल चुका है गेंदबाज को, विकेट को यहाँ पर, इसलिए गेंद का लाइन वो आगे रख रहे हैं। देखिए वो भी चालाक है, वो जानते हैं अभी ज्यादा पीछे गेंद कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका फायदा फिर लेना चाहिए बल्लेबाज को, क्योंकि गेंदबाज तो मजबूर है, छोटा गेंद कर नहीं सकता है, फिर आपको खाली टाइमिंग करने का है, बल्ला थोड़ा हवा में लेना है और गति का, देखते हैं क्या उसका फायदा ले पाएंगे। स्कोर देखिए यहां से 23-23 रन, और ये चलिए भाई शॉट मिड विकेट पर क्या दे बैठे यहाँ पर, यही अच्छी कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, फील्ड हटाए नहीं वहां पर, क्योंकि शॉट ऑफ पूल खेलने के लिए फील्ड रखा गया था यहाँ पर, बढ़िया कैच लेते हुए और विकेट नंबर यहाँ से चौथा गिरता हुआ। जोली क्या क्या हर किसी का दिल आएगा अगर ऐसी गेंदबाजी होगा तो, क्या कमाल के गेंदबाजी विकी हुईर, देखिए इनके गेंदबाजी देखने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, जब भी रायगढ़ को भी जाते हैं नाइट मैचेस में क्या गेंदबाजी करते हैं भाई, आंखों से सुरमा नहीं आंखें चुरा लेते हैं, गति बहुत है बंदे में, फिटनेस बहुत कुछ मायना रखेगा यहाँ पर, लेकिन बोनकरी टीम को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाम मुस्कुराते हैं। एक आंख ओवर लंबा बने तो फिर इस बार देखिए बढ़िया फ्लैश किया और दीवार से गेंद रुका, भाग कर रन चुरा सकते हैं, एक रन अच्छी सोच है यहाँ से, सर सलामत तो पकड़ी 50, लेकिन फुल लेन का गेंद था, मौका बन सकता था, एक स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव ये खेल सकते थे, गैप था थोड़ा लॉन्ग ऑफ कवर के बीच में। इस पिक्चर को देखने के साथ बॉलीवुड में कई नौजवान ने बगैर मंडप से शादी की थी, इतनी रोमांटिक पिक्चर था। टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 24, अभी देखिए गेंद यहां पर कितना बचा है भाई, यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा, गेंद बचा है 12, और इस 12 गेंद के ऊपर आपको सफर करना होगा। तय गेंदबाजी के लिए देखे सचिन नायक भाई, एक समय तो इनकी उंगली इतनी बड़ी टूटी थी, निश्चित रूप से कहूंगा शायद उस हालत में, जख्मी हालत में ये गेंदबाजी करते थे। सचिन नायक नहीं भाई, इस टीम के हैं बड़े खलनायक,
जब भी टीम को जरूरत होता है खड़े उतरते हैं आकर। यहाँ पर देखिए नो बॉल स्पिनर गेंद के लिए मौका तो मिल चुका है। पहला गेंद सचिन लाके गेंद से हाथों गेंद निकली नो बॉल और फ्री हिट क्या यहाँ से रहेगा फ्री हिट। सचिन नाइक पहले गेंद के पर बीमर गेंद अगर दूसरा बीमर निकला तो फिर विजय माल्या के जैसे देश तो छोड़ना नहीं पड़ेगा लेकिन गेंदबाजी गेंदबाजी छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहां से टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंचे हैं 26 रन फ्री हिट मौका है। हाँ मौका का फायदा नहीं ले सके यहाँ पर इतना बढ़िया देखिए वापसी करते हैं। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान रहती है जिंदगी में कितना भी मुश्किल आए वो घबराते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में कितना भी मुश्किल आए कठिनाई आए घबराना नहीं क्योंकि कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है और ये कठिन समय सचिन नाइक को दिया गया है। उड़ाया वार रे वा। दया मार डाला रे क्या बात है। इसलिए तो कहता हूं टोटल देखिए छक्के के साथ जाकर पहुंच गया 32 रन। किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत की अंदाजा मत लीजिए। शकल तो ऐसा क्रीज गेल का भी बहुत बेकार था लेकिन कितना खतरनाक था। अभी भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी बड़ी छक्के मार रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे परशुराम और कर रहे हैं बढ़िया काम। गेंदबाज तैयार ओ फिर से उड़ाया वार रे वा। और एक गगनचुंबी सिक्सर छा गए गुरु यहाँ पर परशुराम का गाड़ी चलता हुआ कदम और एक शरण वापसी तो मिला है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। पर क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाते हुए परशुराम कर दिए बढ़िया काम। दो छक्का बता दिए हमें बंदूक भी चलाना आता है शकर शकर शकर। और गिटार भी बजाना आता है। बड़ी खिलाड़ी की पहचान दे रहे निश्चित रूप से। कहते हैं ना सूरज दिन में खूबसूरत लगता है और चांद रात में खूबसूरत लगती है और माजिद की बल्लेबाजी शुरुआत में बेहतर लगती है और परशुराम की बल्लेबाजी स्लो गुबरना बढ़िया। यहाँ पर देखिए वनकड़ इलेवन वनकड़ टीम क्यों चैंपियन टीम थी ये बता रहे हैं। हवाई फायर फील्डर है धीरज लेकिन यहाँ पर गेंद को तो हल्के से हाथ लगी सेकेंड अटेम्प्ट में रोका लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज दो रन लिए। भाई मौका था तीसरा का भी। ये टेनिस गेंद इतना वक्त लेकर जाता है ना एक कप चाय पीने के साथ दूसरा क्या तीसरा भी ले सकते हो। आजकल चाय का कप का साइज देखा है दुकान में। मुझे तो कभी कभी लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ पर 41 रन बहुत बढ़िया देखे। इसलिए तो कहते हैं कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना। हवा में गेंद है एफर्ट कमाल का था विशाल थे साइज में भर प्रतीक थे यहाँ पर लेकिन कितना रन यहाँ भाग कर लिए। और ये चलिए भाई यहाँ पर तीन रन निकाले साइज है बहुत मुश्किल से निकाले
क्योंकि हम खाते पीते घराने के हैं, तगड़े हैं, यहाँ पर भागना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो यहाँ से कहते ना कि दिल करता है अब टीलू टीलू, क्योंकि रन आ चुका है। देखिए कितना रन आया सचिन नायक के ओवर में, 20 रन। ओहो चिंगो चिंगो, यानी प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, सचिन नायक के ओवर में गेम बदल गया। लेकिन बचा है 6 गेंद, चल रही है कुछ चर्चा टीम मीटिंग। 44 रन अगर 60 तक भी पहुंच गए तो खुश रहेंगे, ज्यादा टीम मीटिंग मत लीजिए, क्योंकि हमारे बात करेंगे ना ऊपर जो बैठे हुए हैं मैनेजमेंट टीम कमेटी, ये निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं कि मैच कंप्लीट कैसे करना है। इमरजेंसी टीम मीटिंग लिया गया यहाँ पर, क्योंकि मैदान के अंदर देखिए परशुराम ने मचा दी है खलीबली, पानी पानी 2 छक्के के साथ है, तैयार रहना होगा यहाँ से। मुझे तो लगता है जो गांव 11 टीम बाकी की चर्चा करने से बेहतर कि अगले मैच कैसे खेला जाएगा इसके बारे में चर्चा करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों टीम देखिए जिस तरह से यहां से खेल रहे हैं ना, यहां से जो भी टीम आएगा ना कम नहीं रहेगा आपके सामने, क्योंकि जो पिछला मैच में आपको गलती से मैच जीत मिला है, भलाई जीते आपने लेकिन बहुत गलती की थी, पर छोटा छोटा बात करेंगे दीवा गांव टीम ने। तो इसलिए अगर आपको आगे का मैच जीतना है ना, जैसे कि इतना ऊंट से अगर दोस्ती करनी है फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिए अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज है भविष्य नायक। देखिए यहाँ पर बहुत चर्चा हुआ कौन सी गेंदबाज को गेंद दिया जाए, लेकिन आखिरकार भविष्य नायक को, लेकिन स्ट्राइक पर आते हुए सुबह भी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है। ओहो क्या बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन पकड़कर देखिए यहाँ पर परसों का यहाँ पर हौसला बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार ने बताया था कि थाली बजाकर हौसला बढ़ाइए कोरोना की, लेकिन यहाँ पर ताली बजाकर व्हाइट का इजाफा, बहुत बढ़िया हौसला बढ़ाने का भी अंदाज देखिए। लेकिन तालियों से जो हौसला, तालियां कब बजती है, जब कुछ इंसान बेहतर काम करता है या करने जा रहा है, जब दिल की बातें हाथों पर आ जाती हैं। हिमांशु के लिए देखिए तालियां बजते, ओहो प्रवेश नायक और परशुराम का यहां पर विकेट गिरता हुआ, बिग विकेट। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए सर का है 46-46 रन है। उम्मीद सर बात करेंगे ना, चिकनी चमेली में कटरीना कैफ सुपरस्टार हो गई, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई लोग उसका फिल्म पिक्चर ही देखना शुरू बंद कर दिए कई नौजवान ने स्क्रीन पर। लेकिन अभी भी देखिए 3 गेंद बचा है, कहते हैं ना आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ एक कबूतर उड़ाने के काम कीजिए, जो हमारे डीजे आदेश ने कुछ समय बताया था कबूतर जा जा जा, वही काम करना होगा, आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। और 7वां नंबर के पर आए हैं बल्लेबाज सुप्रीन नायक, एक सुप्रीन दादा मात्र लेके बात करेंगे धारो के। देखिए अपन टीम मैनेजमेंट ओनर से काफी मरतबा टीम के साथ है, लेकिन दादा कुछ दिनों से टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से रायगढ़ पर देखिए टीम को साथ लेकर जाते हैं, टूर्नामेंट को सफल देते हैं। और जब कोई टीम मैदान में खेलता है ना, शायद हम जिनसे वाकिफ है उनका जिक्र कर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पूरी गांव आपके साथ रहता है सर, हर किसी से हम वाकिफ नहीं रहते हैं। ओहो क्या यहाँ पर
लोकल में गेंद भन्नाट यॉर्कर कैटिना तास का छोकर और बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। पर भविष्य नायक देखे क्या अंतिम ओवर में कैटिना उछाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई तलाश करो इसी इंसान के जो अंधेरे में साथ दे दो गेंद शेष निराश रहेंगे डिक्लेयर जब ने रन देखे यहाँ पर जब चार ओवर का खेल समाप्त हुआ था और अच्छा खासा रन आ चुका था 44 रन आ चुका था। मुझे लगता है आज आदेश जी ज्यादा खाना खा रहे कोई बात नहीं क्योंकि शादी हल्दी में जितना मौका मिलता है क्रिकेट में उतना मिलता नहीं है। बढ़िया गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पर देखिए वाइड की हो रही थी मांग लेकिन अंपायर ने कर दिया ओवर के साथ यहाँ पर और पांच ओवर का खेल समाप्त है। सचिन जी नायक स्वागत है आपका लेकिन तब तक के लिए चलेंगे थोड़ी सी यहाँ पर डीजे मास्टर के पास।
एक नीलीजे नीलीजे भाई बाबा जाओ एक रोटी ला बोल ले मंच भाई कौन दिन है ले दे तो चलिए बात करेंगे पर टारगेट के देखें यहाँ से 48 रनों की टारगेट है तो देखते हैं इस टारगेट को कैसे यहाँ पर हासिल किया जाता है। तो चलेंगे यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज देखिए मैदान के पर सिद्धेश और भावेश की छोड़ी देखते हैं क्या कुछ रंग लाएगा लेकिन गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज है मयूर ब्लू दे ब्लू मोशन देखिए यहां पर पहले गेंद के ऊपर शॉट मिडल तैनात है लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज अपने जगह पर सुरक्षित हैं। ये भी अच्छी सोच है कहते ना सर सलामत तो पगड़ी 50 बचेंगे तो लड़ेंगे यहां पर लाच बाप देखिए यहाँ से जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित रूप से उतना ही कम है। बहुत बढ़िया काम दिखाते हैं यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ पर रनों की कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर कहते हैं ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका कभी मत देना और वही काम करते जा रहे हैं लगातार यहाँ पर कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर गेंदबाज अभिषेक पहुंचाएंगे तैयार है वो बढ़िया गेंद अपील देखिए यहाँ पर थोड़ा सा किया गया लगातार देखिए बात करेंगे यहाँ पर चौथा गेंद डाउट है तो वहां दिक्कत बनेगा देखिए यहाँ पर 48 रनों के टारगेट है इसलिए तो मैंने कहा था कि भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी हो सकता है गोबरी भी दे सकती है उसी तरह से देखिए भले ही 48 रनों के टारगेट रखे हैं लेकिन पलटवार करने के लिए देखिए पूरी तरह से तैयार है स्लोअर गेन और एक साल बात करेंगे ना यहाँ पर तारावी टीम की खास करके पहला स्पर्श देखिए राकेश हिमांशु स्मृति तारावी टीम फिर से बैकफुट में है क्योंकि इनके कोई खिलाड़ियों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है बता रहे हैं बल्ले लिए लेकिन अंपायर की नजरें बता रही है आप आउट हैं। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर वापसी करती हुई 48 रनों के टारगेट से यहाँ से दिखाऊंगा थोड़ा सा ये टारगेट 55 के जैसे लगेगा यहाँ पर विकेट गिरने के साथ नहीं बल्लेबाज है धीरज सिंह के कोच काफी कुछ निर्भर करेगा ये इसलिए थोड़ा सा मिड ऑफ पर गेंद ने हरकत किया यहाँ पर बाउंस लिया एक रन आसानी के साथ आता हुआ धीरज फिर देखिए इनकी बल्लेबाजी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा ये 48 रनों तक पहुंचना है तो बढ़िया तालियां बजती हुई बंकड़ी बलन बंकड़ी टीम देखिए यहाँ पर गेंदबाजी का हौसला बढ़ाते हुए पर मौसी ने देखिए केवल एक ही रन कर चुके क्या कमाल का ओवर रहा सुपर डुपर ओवर
साथ देते हो यहाँ पर, बहुत बढ़िया काम करते हो यहाँ पर। इतना किस्मत है, सबको मौका देता है, पर मेहनत सबको चौंका देता है। और क्या बेहतर गेंदबाजी मोहसिन ने देखी, अपने मेहनत डाल दिए यहाँ पर और चौंका दिए यहाँ सर। अभी भी देखिए 47 रनों की जरूरत है, आने वाली गेंद की बात करेंगे तो 24 गेंद बचाए। क्या इस मैच को बचा पाएंगे यहाँ पर धारावाहिक टीम के समर्थक? देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे लेकिन। और ये चले भाई वाइड का इजाफा और उसके साथ देखिए 1+1 दो रन एड होता हुआ। तेज रफ्तार की गेंदबाजी को गेंद रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से। दो रन और छूटता हुआ, एक एक रन आपसे सवाल पूछेगा, एक एक गेंद आपको सवाल पूछेगा। लेकिन अभी तक देखिए धीरज भाई थोड़ा सा संयम दिखाते हुए, लेकिन 48 रन है इस बार भी। देखिए एक बाउंसर गेंद बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएशन देखिए क्या बढ़िया दिखाते हुए गेंदबाज है उमेश सर। मैं हमेशा कहता हूं फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस गेंद को उंगलियों से गेंद घुमाना, कटर गेंद, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, ये उससे भी बड़ी बात है। इस बार देखिए दिशा दिया डिक्लेयर जोन में, लेग बाय से एक रन आता हुआ, संतुष्ट नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर। बल्लेबाज का पीछा कर रहे हैं गेंदबाज, मौका नहीं दे रहे हैं धीरज को, लेकिन कब तक देखते हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 4 रन मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, दूसरी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। इस बार देखिए घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन एक रन तो आसानी के से, ओहो चिंगो चिंगो लेने का देना पड़ गया और चौका आता हुआ। इसे कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओ खोद कर निकाला यहाँ पर, हेलीकॉप्टर उड़ाया, यानी आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए एमएस धोनी के जैसे उड़ाएंगे फुर 4 रन। गोठिया अंपायर का ये गाना हिट गाना था। और इस बार देखिए शॉर्ट मिडल यहाँ पर तैनात है, बहुत ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर धीरज है। और हमारे देखिए यहाँ पर लाडले आयोजक निश्चित रूप से दर्शन भूल सब देखिए यहाँ पर तशीफ रखते हुए स्वागत होगा निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन। और यहाँ से बात करेंगे जो गांव 11 टीम ने भी मैच जीता है। और पहले देखिए चुगांव टीम बाहर निकल चुका है, लेकिन दूसरी टीम जीता। और यहाँ पर देखिए कुछ रन आ रहा है, यहाँ पर गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज हैं भाग धन्य बसंती का इज्जत का सवाल है जिसे हेमंत मालिन ने अपने टांगे को भगाया था सोने पिक्चर में, लेकिन धीरज ने अपने सादे खिलाड़ी को भगाया यहाँ पर। भावेश गायक को बहुत तेज है और 3 रन आता हुआ और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 15 रन। तो अभी भी देखिए बात करेंगे ना 18 गेंद बचा है, 33 की जरूरत है यहाँ पर। शायद ये लोग के बीच में कहेंगे इतना दूरिया नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आने वाला जो ओवर रहेगा काफी कुछ बता कर जाएगा कौन टीम यहाँ से करीब आएगा या थोड़ा दूर जाएगा। 18-33 क्या बढ़िया देखे यहाँ से काम करते हुए लाजवाब, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम यहाँ से। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखे यहाँ से 15 रन बनाए। अभी भी बात करेंगे ना काफी कुछ बचा है,
क्या कुछ लेकर जाएंगे, क्या कुछ छोड़ के जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा आपको। और इस बार देखिए लेग बिफर की अपील था, लॉन्ग 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 लॉन्ग, लेकिन शायद रनआउट का मौका भी यहाँ पर बनाना चाहते थे यहाँ पर गेंदबाज सुप्रील। देखिए यहाँ पर नाखुश थोड़ी सी है, क्या बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए देखिए, हार मानने को तैयार नहीं है। भोनखड़े 11, भोनखड़े टीम देखिए बता रहे हैं, हमारे शरीर की हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन हम मुकाबला इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। एक जिद्दी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ से देखिए, कोई रन नहीं यहाँ पर, धीरज को मौका नहीं दे रहे यहाँ पर। कहते हैं ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, और बहुत बढ़िया काम। और इस बात देखिए खूबसूरत कराएंगे सारे गेंद को बड़ा, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए एक रन रहेंगे, एक से सहमत रहना होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं निश्चित रूप से। कुल स्कोर की बात करेंगे, कुल स्कोर देखिए यहाँ से 18 रन है, और गेंदबाज फिर से एक बार होंगे तैयार। 15 गेंद देखिए, अभी जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 30 रनों की जरूरत है। और इस बार देखिए गेंद को खेला गया, लेकिन गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज है अपनी जगह पर थे, सुरक्षित है, कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर। कहते ना मौका मौका मौका, यहाँ पे कुछ नहीं है मौका, सिर्फ ये लग रही है धोखा। और गेंदबाज फिर से पर तैयार, और इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोशिश, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए एक रन है। हरीफ के साथ देखिए यहाँ से बात करेंगे, 19 रन बनाए हैं, तो अभी गेंद और रनों की भी बात करेंगे, 13 गेंद 29 की जरूरत है। मैच देखिए यहाँ से दूर जाता हुआ, बहुत बढ़िया ओवर देखिए सुप्रीम ने, अभी तक इस ओवर में ना कोई चौके खाए हैं ना कोई छक्के खाए हैं, लेकिन कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, धीरज बाउंड्री कब लगाएंगे, क्या मैच है समाप्त होने के बाद है, क्या कमाल का स्पेल रहा भाई, वाह रे वाह, लाजवाब गेंदबाजी देखिए यहाँ पर। मोशिन ने पहली ओवर में 1 रन कर चुके थे, लेकिन सेकेंड ओवर में देखिए सागर के ऊपर थोड़ा सा हमला हुआ था, यहाँ पर 14 रन कर चुके थे, और उसके बाद देखिए स्वप्निल ने यहाँ पर 5 रन, और कोई विकेट नहीं, लेकिन जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। आने वाला 12 गेंद 28 की जरूरत है, 14 गेंद से रन बनाना होगा। तो चलिए बात करेंगे, अभी भी देखिए यहाँ से 12 गेंद 28 की जरूरत है। ये मैच धीरे धीरे देखिए कांटों का हो रहे हैं, दर्शकों के धड़कने बुलेट ट्रेन धक धक, और यही तो का ग्रामीण मैच की खासियत है, और जो कोयला को इंदौर बना देती है। वन बाउंस लिया और चौका देकर गया। थोड़ा सा कम समय लीजिए पर, अभी देखिए 11 गेंद जीत के बात करेंगे, 24 रनों की जरूरत है। फर्स्ट रन देखिए बहुत जरूरी हो चुका है, और एक चौके ने देखिए मुकाबला को करीब लाता हुआ। जैसे कहते हैं ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है, तो क्रिकेट में उसी तरह से देखिए एकाध चौके लगने से मुकाबला करीब आता हुआ। 11 गेंद 24 की जरूरत है। पटकी हुई गेंद अपरकट खेलना चाहते थे, 3 फील्डर पहुंचे और नोमैन लेंस आखिरी समय में एफर्ट कमाल का थर्ड ड्राइव लगाए थे। मेरे हिसाब से जो कवर पॉइंट से फील्डर अगर ना आते ना पॉइंट से,
तो मौका ये बना सकते थे और तेज भाग सकते थे, कैच तक पहुंच सकते थे। विघ्नेश देखिए, क्योंकि उन्हें खुलकर ड्राइव लगाने का मौका नहीं मिला क्योंकि पॉइंट के फील्डर आगे करी। बहुत बढ़िया एफर्ट देखिए, यहाँ पर दो रन आता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर 10 गेंद है, 22 की जरूरत थी। और धीरज भोईर देखिए पूरी तरह से अपना कोशिश है लगाते हुए, कहते ना दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। और ये चलिए उड़ाया, वाह रे वाह, एक के 47 देखिए धीरज भोईर बता रहे हैं, भाई कफन ना डालो मेरे चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, अरे हिम्मत ना हारी गुरु मैदान पर अभी तक है, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की, लड़ने की, लड़ने की। समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंद 16 की जरूरत है, शायद गेंद चोट ज्यादा लगा है तो, और चेहरे पे जाइए 12 खिलाड़ी को भिजाइए और उन्हें आराम के लिए बैठाइए। विघ्नेश पाटिल देखिए फील्डर थे और लंबे कद के, बहुत जोखिम लिया था। ग्रामीण में विघ्नेश सर बात करेंगे ना, बहुत जोश डाल देते, जान डाल देते। देखिए ये मिट्टी है यहाँ पर, कोई खास नमी नहीं है जो तो अंतर्राष्ट्रीय में हम देखते हैं, इसलिए ज्यादा तकलीफ होता है। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्रिकेट की भावना दिखाते हुए सचिन जी नायक विकी हुए, देखिए पहुंचे खिलाड़ी तक। यहाँ पर जानते हैं खिलाड़ी हर किसी के लिए एक रहता है, भलाई मैदान के अंदर मैदानी जंग रहती है लेकिन मैदान के बाहर सब हैं साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच बात करेंगे, 9 गेंद बचा है, देखिए अभी जीत की बात करेंगे ना, 16 रनों की जरूरत है। तो चलेंगे यहां से, गेंदबाज फिर से एक बार ही तैयार रहा। बढ़िया देखिए अपर कट, वाह रे वाह, तेज गेंद भागता, वाह गेंद के नीचे फील्डर भागते हुए। तो देखते हैं डिसीजन क्या आता है यहां से, चलिए एक ही रन आ गया। चलिए जो अब ग्रिल दिखे उसके बाहर होना दर्शक, आप गेंद मत पकड़िए भाई, अगर वहां से टकरा कर आएगा तो वहां रन बन सकता है। अंदर हाथ मत दिखाइए, जब बाहर जाता है तब आप उस गेंद को ले लीजिए, ना खुश रहेंगे। गेंद बाहर की तरफ गया यहाँ पर रहा, और इस बार देखिए ताकत लगाने की कोशिश, यहाँ पर एक रन रहेंगे, एक रन से खुश नहीं रहेंगे। यहाँ पर समीकरण देखिए बदले गए, यहाँ से 7 गेंद 14 की जरूरत है। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा, आप सिंगल डबल से कितने भी कोशिश कर लो, 7 गेंद 14 की जरूरत है। काय काय बाबा आदेश काय भाई, 7 गेंद है, उन्हें लगा ओवर की हो गई कंप्लीट, कोई बात नहीं, कभी कभी ओवर की लास्ट में हम बोलना पड़ता है। लेकिन आदेश जी मैं आपको बताऊंगा हर गेंद पे बॉल रन क्यों बताना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको तभी भी ये किया, क्योंकि ये जो ग्रामीण मैच है ना, हर गेंद के पीछे रन बताना जरूरी होता है, खिलाड़ी हमेशा पूछते रहते हैं। अभी देखिए 6 गेंद, राजाराम भूषण देखिए तस्वीर बनते हुए, और ये चलिए क्या गलती कर दी, ओवर थ्रो से देखिए रन चुरा लिया यहाँ पर, तो वो रन देखिए यहाँ से आ गया। अंपायर देखिए बता रहे 2 रन है, तो अभी देखिए यहाँ से जीत के लिए 6 गेंद 12 की जरूरत है।
तो बढ़िया, देखिए यहाँ पर लाजवाब क्रिकेट से यहाँ से खेला जा रहे हैं। गेंदबाज फिर से एक बार होंगे तैयार। ओहो, इस बार ऊंचाई ली है वाना 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 गर्सिस। यहां से देखिए पांच गेंद जीत के लिए चाहिए, छह रन और धीरज के बल्लेबाजी की बात करेंगे। 16 गेंद 34 और यहां पर देखिए एक रन तो आसानी के साथ ही आएगा, नजदीकी मामला। ओहो, बाल बाल बचे यहां पर और लेने का देना पड़ गया। कहते हैं ना कभी कभी किस्मत भी बहादुर के साथ है। तीसरा के लिए भी यहां पर भागने की कोशिश। भावेश रुको जरा, अभी देखिए यहां से बात करेंगे। चार गेंद चार की जरूरत थी। बुनकरे टीम देखिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले, लेकिन धीरज के बल्लेबाजी, मैंने यही बात बताया कि ये एक बढ़िया खिलाड़ी है, हरपन मौला खिलाड़ी। आने वाला देखिए चार गेंद बचा है और जहां पर चार रनों की जरूरत है। बहुत बढ़िया क्रिकेट से लाजवाब लाजवाब है, जितना तारीफ किया चाहिए उतना ही कम। ओ, खोद कर गेंद को निकाला यहाँ पर, एक रन तो आसानी के साथ रहेगा, दूसरे के लिए कराना चाहेंगे। और यहाँ से देखिए मैच हो गया समाप्त और धीरज का कमाल के बल्लेबाजी, इसे कहते हैं कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत अच्छी इनिंग का होता है। चलिए टॉस बॉक्स पर यहाँ पर जाना होगा। विलियस वर्गी सर से गुजारिश करना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के साथ आएंगे कमेंट्री बॉक्स पर। थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट मैच खेले एक घड़ी असेल धारावी तो दुसरी घड़ी जुगाव, तो सामना असेल अपने समोर राकेश कैलास वर्षी, राकेश हिमांशु स्मृति।